सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आई नॉलेज। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप बड़ी ही आसानी से कैसे IRCTC पे एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और टिकट बुक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम गूगल में सर्च कर लेंगे IRCTC। सर्च करने के बाद जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी उसे हम ओपन कर लेंगे। कुछ इस तरह से वेबसाइट का इंटरफेस आएगा। तो हमें सिंपली यहाँ साइन अप का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पर क्लिक करना है। तो चलिए साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं एक बार। क्लिक करने के बाद हमारा ये जो फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म, ये ओपन हो जाएगा। चलिए, यहाँ कुछ डिटेल मांग रहा है उसे हम फिल कर लेते हैं। इसकी यहाँ मांग रहा है यूज़र आईडी। तो चलिए मैं यूज़र आईडी डाल लेता हूँ अपना, कुछ भी डाल सकते हैं आप। यहाँ पासवर्ड सेट करना है, तो चलिए मैं पासवर्ड अपना सेट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना पासवर्ड सेट कर लिया है। यहाँ पे हिंट क्वेश्चन बोल रहा है, तो हिंट क्वेश्चन आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और इसका मैं आंसर फिल कर लेता हूँ। आंसर मैंने फिल कर लिया है। तो यहाँ पे नीचे पर्सनल डिटेल मांग रहा है। यहाँ पर्सनल डिटेल में हम अपना नाम भर देंगे, फर्स्ट नेम बता रहा है। जैसे कि मैं अपना नाम भर दे रहा हूँ। जेंडर मेल, फीमेल तो फीमेल। मार्शल स्टेटस अनमेरिड, जैसा आपका मन, जैसे है, मतलब आप शादीशुदा है कि कैसे है। ऑक्यूपेशन, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है तो स्टूडेंट भरेंगे। यहाँ आधार कार्ड ऑप्शनल बोल रहा है और पेन कार्ड भी ऑप्शनल बोल रहा है। यहाँ कंट्री का नेम पूछ रहा है आप, कंट्री सिंपली इंडिया फिल कर देंगे। इंडिया पे क्लिक करने के बाद ईमेल आईडी यहाँ पूछ रहा है, तो हम अपना ईमेल आईडी बस फिल कर देंगे। ईमेल आईडी फिल कर लेते हैं। यहाँ फ़ोन नंबर पूछ रहा है, तो अपना फ़ोन नंबर भी फिल कर देते हैं। नेशनलिटी बोल रहा है, नेशनलिटी को भी फिल कर देते हैं, इंडिया। इंडिया फिल करने के बाद यहाँ एड्रेस पूछ रहा है, तो एड्रेस फिल कर देते हैं सिंपली, जो भी है हमारा। मेरा एड्रेस ये है। और पिन कोड अपना फिल कर दीजिए, जो भी है। पिन कोड डालने के बाद अपना भी यहाँ स्टेट ले लेगा कि आप टाउन सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप पोस्ट ऑफिस आपका जो भी पड़ता है उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। फ़ोन नंबर दोबारा आप जो फ़ोन नंबर जो आपने ऊपर एंटर किया था, आप यहाँ पे भी वही फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। फ़ोन नंबर डालने के बाद यहाँ कैप्चा फिल कर दीजिए, जैसा है। करने के बाद यहाँ आप नो नो कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप यस करेंगे तो फालतू फालतू ईमेल्स आएंगे आपको। तो हमारा फॉर्म फिल हो चुका है, हमारा फॉर्म अभी यहाँ पे। हम यहाँ आके सबमिट पे क्लिक कर देंगे, फिर ओके कर देंगे, फिर दोबारा ओके कर देंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे, तो ये नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। यहाँ कुछ बोल रहा है सक्सेसफुली का कुछ मैसेज आया है। यहाँ बोल रहा है थैंक यू, यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, योर रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन मेल हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो अब हमें जो हमने आईडी और पासवर्ड जो बनाया है उससे हमें लॉगिन करना पड़ेगा, फिर जाके ये वेरीफाई करेगा ईमेल और फ़ोन नंबर पे OTP भेज के। तो हम होम पे क्लिक कर देते हैं। होम पे क्लिक करने के बाद जो हमने यूज़र आईडी बनाया था
इस यूज़र आईडी को फिल कर देंगे। जैसे कि मैंने बनाया था कुछ इस टाइप का, और पासवर्ड मैं डाल दे रहा हूँ। मैंने पासवर्ड फिल कर दिया है। अब यहाँ पे कैप्चा फिल करना है, तो जैसा दिख रहा है वैसा ही आप फिल कर दीजिए। यहाँ लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ कुछ एरर आ गया है, तो अब दोबारा ट्राई करते हैं। अपना पासवर्ड फिल कर देता हूँ। पासवर्ड फिल करने के बाद कैप्चा एंटर कर दीजिए आप सिंपल। आप लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। तो आ गया, हमें जो वेरीफाई करने वाला पेज है वो आ गया है। तो हम यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे मोबाइल नंबर और मेल आईडी। तो वेरीफाई मोबाइल नंबर विथ ओटीपी, ओके पे क्लिक कर दीजिए। एक ओटीपी आएगा, उसे हमें फिल करना है। ओटीपी आएगा मेरे फ़ोन में, उसके ओटीपी आ चुका है, आप देख सकते हैं। करने के बाद सबमिट द ओटीपी कोड कर देंगे। तो मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली बता रहा है, तो इसे क्लोज कर देंगे। बारी आती है ईमेल आईडी की, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब मेल आईडी पे ओटीपी आएगा, उसको डालेंगे। ये मुझे मेल आ गया है, मैं ओटीपी अपना देख लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, इसको ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ सिंपली पेस्ट कर दीजिए आप। अच्छा पेस्ट नहीं होगा, हम टाइप कर देते हैं 686257। सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ईमेल वेरीफाई सक्सेसफुली, हम क्लोज कर देंगे इसको। योर अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड, क्लिक हियर टू लॉगिन पे बोल रहा है, यहाँ हम क्लिक कर देंगे। यहाँ हमें दोबारा होम पेज पे आ जाएगा। तो सिंपल हमें जो हमने जो यूज़र आईडी बनाई थी उसको डालेंगे, और उसके बाद पासवर्ड डाल देंगे, और उसके बाद कैप्चा फिल कर देंगे। जैसे कि यहाँ 20 लाख जो भी लिखा है, और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो जो हमारा टिकट करने का होम पेज है वो इस तरह से खुल के आ चुका है, और हमने सक्सेसफुली IRCTC पे एक अकाउंट क्रिएट कर लिया है। और हम सिंपल यहाँ से कोई सा भी टिकट बुक कर सकते हैं। इसके मालिक मैं आपको सर्च करके बता रहा हूँ खाली। फॉर एग्ज़ाम्पल रायपुर, रायपुर से हम यहाँ रायपुर से फॉर एग्जांपल रायगढ़ कहीं का भी सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद कोई सा अपडेट मेंशन करने के बाद सबमिट करेंगे, तो यहाँ सारी ट्रेन की लिस्ट दिखाएंगे। और यहाँ से आप सिंपली जैसा भी टिकट चाहिए होगा, स्लीपर चाहिए होगा, करके आप क्लिक करके बुक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा चैनल, आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ मैं वीडियो बहुत कम ही डालता हूँ, लेकिन बड़ी काम की वीडियो डालता हूँ। ये वीडियो आपकी जनरल नॉलेज को बिल्कुल इम्प्रूव कर सकते हैं, और आप मतलब जितना मैं जानता हूँ सब चैनल से उतना आप जान सकते हैं, और आप काफ़ी कुछ जान सकते हैं। आपकी जो लाइफ है वो बहुत ही आसान हो सकती है अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बी कनेक्टेड। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय।